और ब्रेक के बाद बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। तो उत्तराखंड से खबर, बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है, जनता से सरोकार रखने वाले कई मुद्दों पर हंगामा कर सकता है विपक्ष। आपको बता दें कि उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि आज उत्तराखंड विधानसभा का तीसरा दिन है और वहीं उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन और इसको लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। तमाम जो बड़े और अहम मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। लगातार यह आशंका जताई जा रही है कि जो विकास कार्यों के मुद्दे हैं और जो अहम मुद्दे हैं वो इस सत्र में उठ सकते हैं। और आज तीसरा दिन है उत्तराखंड विधानसभा का और ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जनता से सरोकार रखने वाले कई मुद्दों पर चर्चा होगी और इसको लेकर हंगामा भी हो सकता है। सोनू सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है, क्या क्या मुद्दे उठ सकते हैं? ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष सदन में हंगामा भी कर सकता है, तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर हंगामा कहा जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं अंशिका आप, क्योंकि आज सदन का आखिरी दिन है और विपक्ष इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगा। क्योंकि एक खबर और राजधानी में पहुंच चुकी है, वो उधम सिंह नगर से जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे, उनके छोटे पुत्र का निधन हो गया है। तो ये देखना होगा फिर कुछ देर बाद सदन की कार्रवाई होगी, सदन की कार्रवाई किस तरह से शुरुआत होगी और विपक्ष का जो रुख है वो किस तरीके का रहने वाला है। चूंकि विपक्ष के भी तमाम विधायकों से हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर ये कहना था कानून व्यवस्था और जनता से जुड़े मुद्दों के साथ ही साथ कर्मचारियों के हित से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर के वो नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करेंगे और यदि सरकार उनकी मांग को स्वीकार नहीं करती तो निश्चित तौर पर वो वेल में जाएंगे या फिर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बीते रोज जब सदन शाम के वक्त चल रहा था भोजन अवकाश के बाद, तो उस वक्त भी कानून व्यवस्था को लेकर के जो मांग विपक्षी विधायकों ने उठाई थी उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल है उन्होंने नियम 58 के तहत उसको स्वीकार किया और उस पर सभी विपक्ष के विधायकों ने अपनी बात रखी। उसके बाद जैसे ही सत्ता पक्ष से इसका जवाब देने दिए जाना शुरू हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री को पूरा सुने बिना ही जो विपक्ष के तमाम विधायक है वो सदन से वॉकआउट करके बाहर चले गए थे। तो आज उम्मीद जताई जा रही है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर तमाम जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को लेकर के विपक्ष के विधायक अपने तीखे तेवर अख्तियार कर सकते हैं। जी अंशिका, चलिए सोनू आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के छोटे बेटे अंकुर पांडे की सड़क हादसे में मौत हो गई। अंकुर 24 साल के थे, वहीं इस हादसे में उनके एक साथी की भी मौत हो गई और एक अन्य कोमा में है। बताया जा रहा है कि अंकुर अपने दोस्त मुन्ना गिरी के साथ किसी वैवाहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गोरखपुर जा रहे थे, तभी उनकी कार बरेली से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में अंकुर गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के छोटे बेटे की मौत हो गई है और अरविंद पांडे के बेटे अंकुर की सड़क हादसे में ये मौत हुई है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है वो बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। उत्तराखंड के देहरादून का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और सोनू सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सोनू, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर ये पूरी जो घटना है वो कैसे हुई, कब हुई? देखिए, बीती रात का ये पूरा का पूरा मामला है। जो अंकुर पांडे हैं वो और उनके पारिवारिक मित्र और दो जने और उनके साथ विवाह समारोह में गोरखपुर शामिल होने के लिए देहरादून से जा रहे थे। बरेली के पास ये सड़क हादसा हुआ, सामने से तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक से उनकी गाड़ी टकराई और गाड़ी काफी डैमेज हो गई है। और इसकी सूचना उनके परिजनों को जब दी गई तो परिवार में पूरा मातम छा गया, क्योंकि अंकुर की उम्र 24 साल थी और बहुत ही सरल स्वभाव के अंकुर थे और अंकुर की हमेशा से ही इच्छा थी कि वो अपने पापा का हाथ बटाएं। तो इसको लेकर के पूरे उत्तराखंड में एक शोक की लहर है। तमाम बीजेपी के नेता, उधम सिंह नगर के नेता और इसके अलावा तमाम लोग जो हैं वो उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। परिवार में मातम का माहौल है। अंकुर को एक्सीडेंट होने के तत्काल बाद हॉस्पिटल में ही बरेली के पास एडमिट कराया गया था, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। और एक उनके जो पारिवारिक मित्र है मुन्ना गिरी, उनका भी निधन हो गया है। दो जो अन्य और
उनके साथ वाहन में मौजूद थे वो घायल हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। तो बेहद ही दुखद घटना है जो सड़क हादसा हुआ है और इसको लेकर हर कोई गमगीन नजर आ रहा है। जी अंशिका, चलिए सोनू आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। 28 जून को रिलीज होने वाली फिल्म आर्टिकल 15 को लेकर श्री ब्राह्मण सभा में अपना विरोध दर्ज कराया है। ब्राह्मण सभा से जुड़े पदाधिकारियों ने हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि इस फिल्म के निर्माताओं ने महंतों और ब्राह्मणों का नाम डालकर समाज को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने मांग की है कि इस फिल्म को तुरंत बैन किया जाए, नहीं तो ब्राह्मण सभा सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेगी। वहीं इस दौरान साधु संतों ने भी फिल्म को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। तो आपको बता दें फिल्म आर्टिकल 15 का विरोध प्रदर्शन लगातार इस वक्त जारी है। ब्राह्मण सभा ने फिल्म का विरोध किया है। हम भारत के हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम संत हैं, तो हम इसकी निंदा नहीं सुनेंगे। ना ही किसी की निंदा, क्यों हम किसी की निंदा, अपनी निंदा क्यों सुने? इसमें ब्राह्मणों का और मंथों का नाम, महंतों का नाम क्यों प्रयोग किया गया है? इस पे हमारे जो जो फिल्म रिलीज होने वाली है इस पे बैन लगाने की अपील करते हैं और नहीं लगाई गई तो हम इसके लिए दूसरी कदम उठाएंगे। ये निर्माता अभिषेक खुराना है। आर्टिकल 15 फिल्म जो 28 जून को रिलीज होने वाली, इसका कठोर विरोध करते हैं हम। ये 2014 की घटना बदायूं क्षेत्र की है, उस घटना पे इनने महंत और श्री महंत और ब्राह्मणों को बदनाम करेगा। हम कहते हैं कि ब्राह्मण और महंत का नाम हटाइए, आप फिल्म चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये नाम नहीं हटते तो 28 जून को आपको फिल्म किसी थिएटर में चलने नहीं देंगे। ये आक्रोश ब्राह्मणों का, हिंदू समाज का और संत और महंत का है। केदारनाथ यात्रा ने इस बार पिछले साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 1.5 महीने की यात्रा में 7,50,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं, जबकि अभी 4 महीने की यात्रा बची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदार आगमन से यात्रा का आंकड़ा आसमान छू रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल यात्रा का आंकड़ा 10 लाख के पार भी जा सकता है। गौरतलब है कि केदारनाथ की यात्रा 4 धामों में सबसे कठिन यात्रा है। 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के साथ ही यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति काफी कठिन है। केदारनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझना पड़ता है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु यहाँ लगातार आ रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा को लेके सभी राज्यों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि मोदी जी ने आके उसका इतना भव्य बना दिया है, जैसे वो तहस नहस आपदा के दौरान हो चुका था। तो वहाँ पे हर किसी को एक उत्साह है, जिज्ञासा है देखने की, वहाँ पर इतनी श्रद्धा से पूजने की। लेकिन हम लोग जो आज एकत्रित हुए हैं, हम लोग एकत्रित इसी बात को लेके हुए जिसको मोदी जी ने बड़े उससे सजाया है। उस धरोहर को उन्होंने 4 वेदर रोड का भी आजकल चल रहा है, जो चारों तरफ चारों धाम यात्रा हर वेदर में सक्सेस होगी। तो उसके लिए हम लोग सब इकट्ठा होके कि यहाँ का वातावरण हमेशा अच्छा और शांति प्रिय बना रहे। और जितना पिछले वर्ष टोटल वर्ष में हमारे श्रद्धालु 4 धाम आए थे, अभी केवल 1.5-2 महीने के कार्यकाल में लगभग उतने यात्री हमारे राज्य में आ चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बार एक रिकॉर्डेड श्रद्धालुओं की संख्या आएगी और ये हमारे राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी आर्थिकी की सबसे बड़ी जो 4 धाम यात्रा है वो हमारे लिए एक जो गौरव है। वास्तव में आज जिस प्रकार से पूरे देश ने एक सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का संदेश हमने दिया, उसी का परिणाम है। और केदारनाथ की यात्रा का पर मुझे भी जाने का अवसर मिला और केदारनाथ भगवान के दर्शन करने का अवसर मिला। तो 2013 में जो भय व्याप्त था, इस बार ऐसा लग रहा था कि भय नहीं है, निर्भय होकर के लोग यात्री जा रहे थे और यात्रा का आनंद ले रहे थे। बहुत बड़ी मात्रा में इस बार यात्रा संपन्न हुई है, तो मैं देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को इसका श्रेय दूंगा कि उन्होंने पिछले अपने सरकार के काल में बार बार केदारनाथ आकर के भारत के श्रद्धालुओं का भय समाप्त किया है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।